दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल टेक्निकल बकबक को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे हमारी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप किसी भी वीडियो का रोटेशन कर सकते हैं, उसको उल्टा कर सकते हैं वीडियो स्क्रीन को, या आप जैसा चाहते हैं उस तरह से स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको VLC मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये VLC मीडिया प्लेयर पे ही मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए VLC मीडिया प्लेयर आप जानते होंगे मीडिया प्लेयर है, हम इसे ओपन करते हैं। आपको जो भी फाइल प्ले करनी है, ओपन करनी है या चेंजेस करना है उसे आप ओपन कर लीजिए। तो हम फॉर एग्जाम्पल कोई एक फाइल, हमने एक फाइल मूवी फाइल ओपन कर ली। ठीक है, ये मूवी प्ले हो रही है। ओके, अब हमें इसे रोटेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे पॉज करेंगे यानी रोक देंगे एंड टूल्स में जाइए एंड इफेक्ट एंड फिल्टर में आइए। यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से आपको जियोमेट्री यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे टिक लगाइए। आप जैसे टिक लगाएंगे ऑटोमेटिक 90 डिग्री पर चेंज हो जाएगा। आप इस डिग्री को चेंज कर सकते हैं, 180 डिग्री पे भी कर सकते हैं, एकदम यानी अपोजिट उल्टा हो गया, 270 डिग्री हॉरिजॉन्टिकल वर्टिकल, तो जैसे आप चाहें। ठीक है, आप उस वीडियो को चेंज कर सकते हैं एंड सपोज हमने इस वीडियो को चेंज किया 180 डिग्री उल्टा किया, हमें क्लोज करना है एंड देन हमें मीडिया में आना है एंड यहाँ पे है सेव कन्वर्ट एंड स्लैश सेव, इस पर क्लिक करना है। हम जो फाइल चेंज करना चाहते हैं उसे यहाँ पे ऐड, जो फाइल हमने ओपन की थी उस फाइल को मैं दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे सिंपली सेव एंड कन्वर्ट पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि नई फाइल जो सेव होगी वो कहाँ पे करना चाहते हो आप, आपको लोकेशन चूज करना होगा। यहाँ पे आप प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं यानी वीडियो का जो फॉर्मेट है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, हालांकि MP4 है, हम MP3 WMV या फिर कई फॉर्मेट्स में से कोई फॉर्मेट चूज कर सकता हूँ, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन यूट्यूब जिसके लिए आप चाहें कर सकते हैं, मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ एंड यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम दे देंगे फाइल का, वो फाइल वहाँ पे सिंपली सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कुछ इस तरीके के ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।